ये देखिए हमारा मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर का प्रैक्टिकल है। अभी हम 421 मल्टीप्लेक्सर का मैंने लॉजिक गेट से प्रैक्टिकल किया है। अब हम 421 मल्टीप्लेक्सर का बाई यूजिंग IC74153, IC नंबर क्या है 74153 IC नंबर है, इससे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, देखिए उसका सर्किट है, मैंने पूरा पिन को डिस्क्राइब नहीं किया, जो जो पिन हमें यूज में वही डिस्क्राइब किया है। जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 14 है हमारा सेलेक्ट लाइन की तरह यूज होगा, और पिन नंबर 1 जो हमारा IG बार यानी कि इनेबल बार सिग्नल है, इसको जब हम ग्राउंड करेंगे तभी ये मल्टीप्लेक्सर काम करेगा। इसमें दो मल्टीप्लेक्सर है, मतलब कि इसमें दो तरह एक बार में दो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दो है, एक IG1 है एक IG2 है, यानी कि दो बार इसको यूज कर सकते हैं एक साथ। तो हमें फिलहाल एक ही बार यूज करेंगे, IG1 को लेके तो IG1 को ग्राउंड कर देंगे। ये दोनों सेलेक्ट लाइन है, इनपुट हमारा क्या है, पिन नंबर 6 पे C0, पिन नंबर 5 पे C1, पिन नंबर 4 पे C2, पिन नंबर 3 पे C3, ये हमारा इनपुट है। आउटपुट पिन नंबर 7 से हम आउटपुट निकाले हैं Y1, आउटपुट निकाले हैं, एक रजिस्टर लगा के रेडी लगा दिया, आउटपुट बनाएंगे। ये हमारा ट्रुथ टेबल है, जब हम 00 देते हैं तो I0 हमारा आउटपुट मिलता है, जो I0 पे इनपुट देंगे वही हमें I0 पे आउटपुट मिलेगा। जब 01 देंगे तो I1 पे जो इनपुट देंगे I1 वही हमें आउटपुट मिलेगा। 10 हो जाए तो जो I2 पे जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। और जब 11 कर देंगे सेलेक्ट लाइन तो हमारा जब I3 पे इनपुट देंगे वही हमें I3 पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गया। ये देखिए हमने सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट को आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ये देखिए सर IC देखिए 74153 IC है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पिन नंबर जो 8 है, पिन नंबर 8 को मैंने ग्राउंड किया है, पिन नंबर 16 को VDD है, VDD किया है, ये DIP 16 पिन का IC है। ठीक है, ये 16 पिन की IC है, पिन नंबर 1 को भी जो इनेबल बार है उसको मैंने ग्राउंड किया है, पिन नंबर 6 को एक ये दिया है, पिन नंबर 6 को C0 दिया है, पिन नंबर 5 को C1, पिन नंबर 3 पिन नंबर 4 को C2, पिन नंबर 3 को C3 हमारा ये इनपुट हो गया, ये हमारा सेलेक्ट लाइन हो गया। पिन नंबर 2 को सेलेक्ट लाइन दिया हूँ, क्या दिया हूँ, S0 दिया हूँ, पिन नंबर 14 को सेलेक्ट लाइन S1 दिया हूँ। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब देखिए इस प्रैक्टिकल को मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दिया, 5 वोल्ट की 4.6 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ये हमारा सेलेक्ट लाइन है 00 है। अब यहाँ पे हम जो हमारा I0 है या C0 इनपुट है, इसको हम 0 पे करते हैं तो हमारा आउटपुट 0 मिलता है, जैसे इसको हम 1 पे करते हैं आउटपुट हमारा 1 मिलता है, यानी कि जो हमारा इनपुट I0 पे दे रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक, सेलेक्ट लाइन जबकि हमारा 00 है। अब हम इसको 0 करेंगे, देखिए सेलेक्ट लाइन जो हमारा है, सेलेक्ट लाइन में जो ये है इसको हम 1 करेंगे, तो यानी कि 01 जब करेंगे, 01 करेंगे तो जो हमारा I1 है I1 को हम 0, देखिए I1 को जैसे 0 कर रहे हैं 0 आउटपुट मिल रहा है, I1 को 1 कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट 1 मिल रहा है। ये हमारा दूसरा कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। ठीक, देखिए तीसरा कंडीशन में जब इस सेलेक्ट लाइन को हम 10 करेंगे, ठीक है, जैसे सेलेक्ट लाइन को हमने 10 किया तो हमारा जो I3 है, सॉरी I2 जो है वो I2 काम करेगा। देखिए I2 को जैसे 0 कर रहे हैं LED बंद हो जा रही है, अब I2 को जैसे ही वन कर रहे हैं तो LED हमारी ऑन हो जा रही है। ये हमारा तीसरा कंडीशन वेरीफाई हुआ है। ठीक है, चौथा कंडीशन पे देखते हैं, चौथा कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो दोनों सेलेक्ट लाइन को ऑन कर देंगे। ठीक है, दोनों सेलेक्ट लाइन को हमने ऑन कर दिया, जो चौथा कंडीशन है, देखिए इसको जैसे ही हमने 0 किया वैसे हमारी LED बंद हो गई, यानी कि आउटपुट 0 मिल गया, जैसे इसको ऑन किया तो ऐसे LED ग्लो हो गई, हमारी आउटपुट 1 मिल गया, यानी कि जो I3 पे इनपुट दिया है वही मुझे आउटपुट मिल रहा है। इससे हम कह सकते हैं जो 421 मल्टीप्लेक्सर है वो सेलेक्ट लाइन पे भी डिपेंड करता है, और जो इनपुट हम देते हैं सेलेक्ट लाइन के हिसाब से वही हमें आउटपुट मिलता हुआ है। इस समय हम 1-1 दे रहे हैं सेलेक्ट लाइन पे, हमारा जो इनपुट है I3 पे जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमारा 421 मल्टीप्लेक्सर है, इसकी IC नंबर है। देखिए ये सर्किट देख लीजिए ध्यान से, हम पूरा पिन तो डिस्क्राइब नहीं किए, पिन नंबर 8 ग्राउंड है, पिन नंबर 16 VDD है। ठीक है, पिन नंबर 7 से मैंने आउटपुट निकाला है, पिन नंबर 2 और 4 सेलेक्ट लाइन है, पिन नंबर 1 जो इनेबल बार है यानी कि जो हमारा इनेबल सिग्नल है उसको हम 0 देंगे, यानी कि हमेशा ग्राउंड की। देखिए यहाँ पर पिन नंबर 1 है, इसको हम ग्राउंड किए, पिन नंबर 8 को ये दिए हमने ग्राउंड, पिन नंबर आउटपुट पिन नंबर 7 से देखिए 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा के एक LED लगाया जो हमारा आउटपुट का काम कर रहा है। ये IC हमारा 74153 IC है, ध्यान से आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए 4.5 या 4.67 का वोल्टेज हम दे रहे हैं, ये हमारा सर्किट हो गया। ओके okay?